हमने ये नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम आकाश जाधव और आप देख रहे हैं सर्प मित्र आकाश जाधव YouTube चैनल। तो दोस्तों अभी अभी एक स्नेक रेस्क्यू कॉल आया है, नवनाथ धावने, इन्होंने कॉल किया था मुर्शदपुर गांव से, वहां पर हम निकले हैं। मेरे साथ साहिल शेख, नवाज शेख, अनिकेत पाखरे, शेवगांव के सर्प मित्र रितेश हुशार, संतोष लकड़े, शुभम मासाड़। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, जो भी कुएं में सांप मिलेगा उसको रेस्क्यू करके एक सुरक्षित जगह पर रिलीज करेंगे, इसलिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलो बस ये सोटा ढिल तोड़ ये तुमच दिल सोडा एवडा भक्त तोडे एवडा वडा हा ये दिल सोडा बस काय हमने ये तो दिला इकड़ हाँ ये छोड़ा तोड़ो दिल बस थोड़ी काली सोडा हो रही ही थोड़ी सा Thank you.
अजून घ्या थोडं. ते घाल जाग रहे. तो दोस्तों आपने देखा धावनवाड़ी गांव में इस कुएं में एक सांप जो गिरा हुआ था उसको रेस्क्यू किया है हमारे नवाज शेख. कुएं में उतर करके उन्होंने एक सांप को रेस्क्यू किया है. तो दोस्तों आप देख सकते काफ़ी बड़ा ये कोबरा स्नेक इस कुएं में 15 दिन से गिरा हुआ था. तो आप देख सकते काफ़ी आक्रामक ये कोबरा 15 दिन से कुएं में है फिर भी एक्टिव है. तो और कुछ दिन बाद ये धीरे धीरे वीक होकर के मर जाता है इसी कुएं में. तो कुएं में और खेत तालाब में जो सांप गिरते हैं उनको बाहर निकालना ज़रूरी है क्योंकि कोबरा सांप एक ऐसा सांप है जो पानी के ऊपर तैरता है लेकिन उसको खाने को कुछ मिलता नहीं जिसके कारण वो धीरे धीरे वीक होकर के मर जाता है. तो जैसे कि आप देख रहे दोस्तों बार बार अटैक करने की कोशिश में ये सांप. जब हम इसके सामने जाते हैं तो ये बार बार इस तरह अटैक करता है. सांप जब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है तब तक काटेगा नहीं. जब हम इसके सामने कोई चीज़ हिला देंगे जैसे कि बैग हो पैर हो या कोई इंसान हो जानवर हो लकड़ी हो इसके सामने हिला देंगे तो ये उस पर ज़रूर अटैक करेगा. तो चलिए दोस्तों इस सांप को हम एक सुरक्षित जगह पर पर्यावरण में रिलीज़ करते हैं. वीडियो में बने रहिए तुरंत हम इस सांप को रिलीज़ करने वाले हैं फॉरेस्ट में. दोस्तों आपने देखा मुर्शदपुर गांव में कुएं के अंदर जो सांप गिरा हुआ था उसको रेस्क्यू किया और आप देख सकते हैं आपके सामने यहां पर हमने इस सांप को फॉरेस्ट में रिलीज़ किया है. बड़ी ही फुर्ती से ये सांप पर्यावरण की ओर चला गया.